क्योंकि वो सीट तुम्हारी विरासत नहीं है, वो विरासत समाजवादी गठबंधन से तुम जी। प्रकाश राजभर, ये ब्रिजेश राजभर चैलेंज करता है, प्रकाश राजभर है तो जहूराबाद अपने विधायक से इस्तीफा दे दो और फिर करवा लो उपचुनाव। तुमको छठी का दूध याद नहीं दिलवा दिया सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी, तो हम भी ये। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूँ सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के शो के साथ, जिसका नाम है आज क्या है वायरल। भाई, सोशल मीडिया पर लगातार सुबह सपा चीफ ओम प्रकाश राजभर काफी तेजी से वायरल है। हालांकि घोसी उपचुनाव से पहले भी वायरल थे, लेकिन अब जो है काफी ज्यादा इन पर चर्चा की जा रही है इस बात को लेकर कि एनडीए ने जिस काम के लिए उन्हें शामिल किया था वो जो है वो घोसी उपचुनाव में पूरा नहीं कर पाए। हालांकि आज ओम प्रकाश राजभर ने वीडियो जारी कर कहा कि कितनी जातियों ने जो है किसे वोट दिया है, बकायदा प्रतिशत के साथ उन्होंने एक आंकड़ा पेश किया। लेकिन यहाँ पर एक और दिलचस्प वीडियो काफी तेजी से वायरल है, जिसमें सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के एक नेता जो है वो ओम प्रकाश राजभर को खुला चैलेंज दे रहे हैं कि अगर भैया दम है तो जहूराबाद सीट जहां से वो विधायक है वहां से इस्तीफा दे और दोबारा चुनाव लड़कर दिखा दे। दरअसल ये वीडियो जो है ये उर्मिला राजभर ने ट्वीट किया, जो कि प्रदेश प्रभारी है सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, आप भी जहूराबाद विधानसभा से इस्तीफा देकर फिर से चुनाव लड़ लीजिए। क्यों? क्योंकि वो सीट तुम्हारी विरासत नहीं है, वो विरासत समाजवादी गठबंधन से तुम जी। ओम प्रकाश राजभर, ये ब्रिजेश राजभर चैलेंज करता है, प्रकाश राजभर है तो जहूराबाद अपने विधायक से इस्तीफा दे दो और फिर करवा लो उपचुनाव। तुमको छठी का दूध याद नहीं दिलवा दिया सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी, तो हम भी। आपको बता दें कि सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश राजभर ने सुबह सपा प्रमुख को जहूराबाद विधानसभा से इस्तीफा देकर फिर से चुनाव लड़ने का चैलेंज दिया। उनका कहना है कि जहूराबाद विधानसभा सीट पर ओपी राजभर सिर्फ समाजवादी पार्टी के कारण जीत पाए थे। हालांकि सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश राजभर चैलेंज देते हुए कहते हैं कि सुबह सपा प्रमुख ओपी राजभर इस्तीफा देकर फिर से इस सीट पर चुनाव लड़ लें, वो इसे जीत नहीं पाएंगे। तो भैया, घोसी उपचुनाव के बाद जो है अगला टास्क जो है वो है लोकसभा चुनाव 2024। अब इसको लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां तो पहले से कर रही थी। इसके अलावा जो केंद्र स्तर पर जो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की बात चल रही थी, उसमें कहीं ना कहीं अब जो है चर्चा तेज हो गई है। अब ओम प्रकाश राजभर को लेकर यहां पर जो है जोरों शोरों से विरोध शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि राजभर को जो है राजभर कम्युनिटी के लोगों ने ही वोट नहीं दिया। मतलब ओम प्रकाश राजभर जिस प्रकार से घोसी उपचुनाव से पहले अपने बेटे और पूरी टीम के साथ जो है राजभर बिरादरियों के बीच बैठ रहे थे, उन्हें समझा रहे थे फायदे नुकसान, लेकिन लोगों ने उन्हें जो है वोट नहीं दिया। अब जो है चैलेंज है काफी सुर्खियां बटोर रहा है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की। अगली खबर हमारी जोड़ी अखिलेश यादव से। दरअसल अखिलेश यादव ने एक ऐसा ट्वीट किया जिसको लेकर लोग जो है काफी चर्चा करने लगे। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, कोई पूछ रहा है G20 में जी का मतलब घोसी है क्या? अब अखिलेश यादव के इस पोस्ट को लेकर एक तरफ समाजवादी पार्टी के लोग तो इसे शेयर दमादम कर रहे हैं, लेकिन वहीं बीजेपी के लोग सवाल उठा रहे हैं। जैसे कि नंद गोपाल गुप्ता नंदी जो है वो ट्वीट कर लिखते हैं, ऐसा कोई चिरकुट सपाई ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछ सकता है? पूरा राष्ट्र G20 में जी का मतलब ग्रेट, गर्व और गौरव समझ रहा है। अपने ही सीट बचाने में इतना सन्निपात और बौखलाहट, भारत के अंतर्राष्ट्रीय उद्घोष से खिलवाड़ की ये बचकाना हरकत कोई राजनीतिक नाबालिग ही कर सकता है। खैर, लोकतंत्र में राजतंत्र का ख्वाब देखने वालों से आखिर उम्मीद ही क्या की जा सकती है। अब इनके अलावा बीजेपी की पूरी तमाम टीम जो है अखिलेश यादव के ट्वीट पर भड़क पड़ी। प्रवक्ता लिखते नजर आए, मैंने कहीं सुना था कि ये जनाब ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, सच में? तो वहीं RLD के कुछ नेता जो है वो बचाव करते हुए नजर आए। RLD लिखते नजर आए कि इस ट्वीट में क्या गलत है, जो कुछ तथ्य कथित इंडिया गठबंधन के समर्थक ही बिलबिला गए। G20 को भाजपा का चुनावी इवेंट की तरह इस्तेमाल कर रही है सरकार। तो भैया, सोशल मीडिया पर लगातार अखिलेश यादव के ट्वीट को लेकर चर्चा की जा रही है। हालांकि एक तरफ जहां पर बीजेपी वाले जो है इसे घेर रहे हैं कि भैया ये जो लाइन लिखी है ये आखिरकार किसने लिख दी है इतनी बचकानी लाइन, तो वहीं दूसरी ओर सपा और RLD के लोग जो है इसे काफी ज्यादा जो है शेयर कर रहे हैं और इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो भैया, इसी के साथ खत्म होता है आज के वायरल खबरों का हिसाब किताब। जाते जाते सुनिए कि अब यूपी से जुड़ी तमाम खबरें आप पढ़ सकते हैं यूपी तक की वेबसाइट पर, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और तमाम ऐसे वीडियोज और अपडेट्स देखने के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।